टुडे अवर टॉपिक इज फार्मूला यूनिट, सेकंड टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। फार्मूला यूनिट शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द आयन प्रेजेंट इन आयनी कंपाउंड। इन दिस एग्जांपल सोडियम हैज पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन हैज नेगेटिव चार्ज। दिस इज सोडियम आयन एंड दिस इज क्लोरीन आयन। बोथ विल कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। सेकेंड इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला, ये इस टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि एम्पिरिकल फार्मूले का मॉलिकुलर फार्मूले के साथ क्या रिलेशनशिप है। उसके लिए फार्मूला है मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल एम्पिरिकल फार्मूला और इसकी बेस में एन विच प्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, वेयर एन इज़ द 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल एम्पिरिकल फार्मूला, सपोज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज 6CH। देन वी यूज दिस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। देन वी शोज दैट द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज बेंजीन इज 6, वेयर एन इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मॉलिक्यूलर फार्मूला, वी विल पुट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। देन इन द बेस वी यूज टू राइट 6 बिकॉज इट शोज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस कार्बन एटम विन एटम विद 6 एंड दिस हाइड्रोजन एटम विद 6। इट विल शोज द कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6। डियर स्टूडेंट, दिस एग्जाम्पल इज टेकिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 नेक्स्ट टू द टॉपिक ऑफ द फार्मूला यूनिट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल नंबर 1.2, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। हम नॉट ओनली नाइट्रिक एसिड, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी फार्मूले का मॉलिक्यूलर मास या एम्पिरिकल मास या फार्मूला मास हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ, सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि इस किसी भी कंपाउंड में हमारे पास कितने एटम हैं और कौन कौन से हैं। इधर 3 एटम हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहला जो हमारे पास एटम है वो हाइड्रोजन। सो वी विल टेक एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU एंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इक्वल वन मेन हाइड्रोजन एटम, वन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 हमारे पास है ऑक्सीजन के, इसलिए हम 3 को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 × 14 प्लस 3 × 16। सो 1 + 14 + 48, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज 63 A। अगर HNO3 का मास, मोलर मास मालूम करेंगे तो वो हमारे पास 63 AMU ही आएगा।